नमस्कार आदाब। न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। चक्रधरपुर मंडल रेल प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए रेलवे मेंस कांग्रेस कार्यालय परिसर में निर्मित अक्षय भवन को ध्वस्त कर दिया है। अक्षय भवन का रेल प्रशासन ने अवैध निर्माण माना है। हालांकि रेलवे मेंस कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि इस भवन का निर्माण रेल प्रशासन की अनुमति से विशेष कार्य के लिए कराया गया था और यहाँ रेल कर्मियों व दूसरे लोगों को ट्रेनिंग कराने का काम चलता था। बीते दिनों रेल प्रशासन ने इस भवन को सील कर दिया था। इसके बाद से ही ये तय हो गया था कि रेल प्रशासन इस भवन को किसी भी समय धराशायी कर सकती है। हालांकि रेलवे मेंस कांग्रेस के विक्षुब्ध गुट ने रेल प्रशासन को दी शिकायत में बताया था कि अक्षय भवन भ्रष्टाचार की इमारत है, जिसका उपयोग कुछ यूनियन नेता अपने निजी अवैध कमाई के लिए कई साल से कर रहे थे। किसी का नाम लिए बिना विपक्षी नेताओं ने बताया कि मेंस कांग्रेस को घर का संगठन बना लेने वालों ने संगठन के मूल स्वरूप को ही खत्म कर दिया और धीरे धीरे रेल कर्मियों के शोषण का यह हथियार बन चुका है। इन लोगों का कहना है कि देर से इसे ही रेल प्रशासन ने यह माना कि अक्षय भवन भ्रष्टाचार की अवैध इमारत थी, जिसे गिराकर प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। अक्षय भवन को तोड़ने के लिए रेल प्रशासन को 2 पोकलेन की मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि भवन काफी मजबूत थी और भ्रष्टाचार की इस बुलंद इमारत को घंटों मशक्कत के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जाता है कि जहां से अक्षय भवन को तोड़ा गया उसे क्षेत्र को रेल प्रशासन अपने कब्जे में लेकर डेवलप करने वाला है। इस पूरे क्षेत्र के निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई आज नहीं तो कल की जानी थी, लेकिन रेल प्रशासन ने अक्षय भवन को ध्वस्त कर ये संकेत देने का प्रयास किया कि प्रभाव कितनी भी मजबूत हो, सच के आगे सभी को झुकना ही पड़ता है। रेल प्रशासन ने अक्षय भवन को गिराकर अतिक्रमणकारियों को यह संकेत देने का भी प्रयास किया है कि अतिक्रमणकारी कितने भी प्रभावशाली हो, वो रेलवे यूनियन नेता हो अथवा राजनीति दल का नेता, अवैध कब्जे को देर से ही सही ध्वस्त कर दिया जाएगा। अभियान में सहायक अभियंता IOW RPF के जवान तैनात थे। ADEN टाटानगर रेलवे के अतिरिक्त सहायक अभियंता राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि अक्षय भवन के अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। हाईकोर्ट से निर्णय आने के बाद बीते दिनों अवैध निर्माण को सील किया गया था। आज उसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। ADEN ने बताया कि रेलवे जमीन से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी।